दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग का G2 मॉडल है जो कि हमारे पास आज आया था। जब हमने इसे DC मशीन पर लगाया तो आप देख सकते हैं रीडिंग कुछ इसमें ऑटोमेटिक इसमें 28 एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा है। 28 का जो रीडिंग है एम्पियर का वो कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब सेट के अंदर हमारे में हाफ शॉर्टिंग है। आप देख सकते हैं 28 ही ऑटोमेटिक कंज्यूम कर रहा है। चलो दोस्तों देखते हैं कि एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। दोस्तों आप इस तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छी तरह से मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे। अब हम ये आपका केवल शॉर्टिंग के पर्पज़ में किस तरह से मोबाइल को चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से देखना होगा। अब हमने चेक किया डिश पावर सप्लाई में, यदि आपका मोबाइल ऑटोमेटिक कुछ भी रीडिंग या एम्पियर करंट कंज्यूम करता है तो उस समय आप क्या करना है। चलो दोस्तों सबसे पहले हम इस मोबाइल को खोल लेते हैं अपने को। ये यहाँ से हमने डिस्प्ले का बेल्ट निकाल दिया इसका। अब इसके हम हाउजिंग को निकाल देते हैं। दोस्तों ये थोड़ा टाइट है। दोस्तों फाइनली हमने इसकी हाउजिंग को निकाल लिया है। अब हम अपने मीटर से चेक करेंगे एक बार। यह इस समय डायोड रेंज में हमारा मीटर सेट है। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग, वन साइड रीडिंग आ रही है 700 से ऊपर और एक साइड रीडिंग आ रही है आपकी 300 से ऊपर। इसका मतलब दोनों ही साइड रीडिंग आपकी 1000 से नीचे है, जबकि हमारा ओके कंडीशन में एक साइड रीडिंग आती है 500 तक, एक साइड रीडिंग नहीं आती। पर इसमें दोनों साइड रीडिंग आ रही है, एक साइड आपकी 500 तक आ रही है वो तो सही रीडिंग है, बट जो दूसरी साइड आपकी 700 तक रीडिंग आ रही है वो रीडिंग सही नहीं है। चलो दोस्तों हमने इसके स्क्रू खोल लिया नीचे वाले को। एक स्क्रू दोस्तों इसका ऊपर भी लगा हुआ है, इसको भी हम खोल लेते हैं। इसके इस बेल्ट को निकाल देते हैं, इससे कि पत्ता कटने का डर ख़त्म हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पर स्क्रू है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम किस सेक्शन के अंदर है। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपका जो फुल हाफ शॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर पावर सेक्शन से आता है। सबसे पहले हम पावर सेक्शन पे ही ध्यान देंगे। इस समय थोड़ा सा बोर्ड को आप देख लें अच्छी तरह से कि कहीं कोई देख सकते हैं, ये बोर्ड एकदम क्लियर है, न्यू बोर्ड है। दोस्तों सबसे पहले हमने पावर सेक्शन को खोल दिया क्योंकि ये जहाँ भी आपका हाफ शॉर्टिंग होता है वो पावर सेक्शन से ही ज़्यादातर आता है। अब मीटर को हम बीप रेंज पर रख देते हैं, इससे आपको क्लियरली समझ में आए कि हमारा एक्चुअल हाफ शॉर्टिंग कहाँ से आ रहा है, कहीं हमारा पावर आईसी तो शॉर्ट नहीं हो गया है। तो देख सकते हैं हमने बीप रेंज चेक कर लिया। अब हम सभी कैपेसिटरों पर वन बाई वन करके चेक करेंगे और कॉइलों पर। कभी भी कॉइलों पर बीप का साउंड नहीं आता, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सही है कॉइल, ये भी कैपेसिटर सही है, और भी हम सब जगह पे चेक कर लेते हैं। तो पावर सेक्शन में हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिली देखने को। इसके हमने सारे कंपोनेंट चेक कर लिए हैं। देखो ये कॉइल है, कॉइल पे हमने चेक किया, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये चार्जिंग का सेक्शन है, यहाँ भी हमने देखा तो यहाँ भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। एक बार हम इसके नेटवर्क सेक्शन को और चेक करेंगे। दोस्तों पावर सेक्शन में हमको कोई शॉर्टिंग नहीं मिली है। दोस्तों इस तरह से आपको चेक करना है हाफ शॉर्टिंग में, जब आपका कोई भी पार्ट्स गर्म ना हो या बिल्कुल ही लो गर्म हो रहा आपका बोर्ड। देखा कि हमें यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिली है। अब हम इसके बाद चेक करेंगे अपना नेटवर्क सेक्शन और यहाँ पर जो आईसी लगी होती है छोटी वाली आईसी DC to DC कन्वर्टर, उसे भी हम चेक कर लेंगे एक बार। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखो नेटवर्क सेक्शन में कुछ हमारे कैप लगे होते हैं जिनमें हमारा BPH का वोल्टेज आता है, जिस जो कि आपका बैटरी का प्लस पॉइंट का वोल्टेज होता है। तो भाई यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक्चुअल कोई शॉर्टिंग नहीं है। दोस्तों पूरे सेट में हमने चेक कर लिया कि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग है नहीं, इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई नॉर्मल सी ही शॉर्टिंग है। अब हम DC पावर सप्लाई में लगाते हैं। इस समय हमने DC पावर सप्लाई को 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर पर सेट किया है क्योंकि हमारा ये पार्ट बहुत ही लो गर्म हो रहा था। अब देखो फाइनली हम चेक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर तो कोई पार्ट्स गर्म नहीं हो रहा क्योंकि हमने चेक किया तो यहाँ पर कोई भी पार्ट्स शॉर्ट है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर इसलिए देखो ये जो नीचे है, ये नीचे इस साइड पर हमारा चार्जिंग कनेक्टर के पास कोई ना कोई पार्ट्स गर्म हो रहा है एक्चुअल। देखते हैं क्या दिक्कत है।
आप यहाँ देख सकते हैं एलडीयू, एलडीयू के पास एक कैपेसिटर शॉर्ट है, एकदम गल गया है, उसे हमने निकाल दिया है। फाइनली वो गल गया था, हमने वो निकाल दिया है बिल्कुल ही, उसमें पानी से बिल्कुल एक साइड से वो उखड़ा हुआ रखा था, केवल वो वाटर लॉग इन होने के कारण इस तरह से हो गया था। दोस्तों ये जो एलडीयू है ये हमें हमारे जो सेंसर होते हैं बैक के उनके लिए वोल्टेज प्रोवाइड कराता है 2.8, इससे हमारे बैक सेंसर काम करते हैं। एलडीयू से ये सप्लाई आती है, फिल्टर कैपेसिटर लगाता है, उसमें से एक कैपेसिटर इसका शॉर्ट हो गया था। दोस्तों अब इसकी हम रीडिंग चेक कर लेते हैं, हमने कैप को निकाल दिया है तो सबसे पहले हम रीडिंग चेक करेंगे, पहले हमारी रीडिंग क्या आ रही थी। दोस्तों अब देखते हो रीडिंग, देखो वन साइड रीडिंग आपकी इतनी आ रही थी वो सही है, एक साइड उसमें 700 आ रही थी, इस समय क्या आती है इसमें दोस्तों, इस समय हमारी जो रीडिंग थी वो 2000 से ऊपर आ गई, जो कि सही रीडिंग है। मैंने बताया था आपको 1000 से ऊपर रीडिंग आनी चाहिए, पर ये 2000 से ऊपर रीडिंग आ रही, एकदम सही सेट है, हमारा सेट में रीड शॉर्टिंग हट गई। एक बार हम डीसी पावर सप्लाई से भी लगा के चेक कर लेते हैं। दोस्तों डीसी पावर सप्लाई में भी कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, एक बार सेट को ऑन करके देख लेते हैं। सेट को ऑन करते हैं और फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो सेट था वो ऑन हो चुका है। इसमें क्या था, केवल एक नॉर्मल सा शॉर्टिंग था, इसका जो एलडीयू का जो कैप है वो शॉर्ट हो गया था आपका, और हमने इस सेट को फाइनली ऑन कर लिया। दोस्तों आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप शॉर्टिंग की सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो आप भी बहुत अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपनी शॉर्टिंग को केवल 5 से 6 मिनट में निकाल लिया। दोस्तों इस वजह से, इस तरह से आप शॉर्टिंग को चेक करेंगे तो आप शॉर्टिंग हटा सकते हैं बिना किसी आईसी को छेड़े हुए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, जब तक बाय बाय।